लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में खुद का इलाज कराने आए एक व्यक्ति ने दो अलग अलग महिलाओं से दुष्कर्म करने की कोशिश की। दोनों पीड़ित महिलाएं इलाज के लिए आई थी, जो अस्पताल कैंपस में रात के वक्त सोई थी। उसी दौरान आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी को लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ के चौक इलाके में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आई दो महिलाओं ने प्रदीप शुक्ला नाम की व्यक्ति पर रेप का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि महिलाएं अस्पताल के कैंपस में गेट नंबर 2 के पास रात में सोई थी। उसी वक्त आरोपी ने दोनों महिलाओं से रेप की कोशिश की। हालांकि हंगामा होते हुए देख वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। फिर घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने आरोपी को सौंप दिया। दोनों पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना चौक पे एक केस रिपोर्ट किया गया है, जिसमें एक महिला ने शिकायत करी है कि वो KGMC में ट्रीटमेंट कराने के लिए आई हुई थी और रात में लोग सोए हुए थे, उसके परिजन भी थे। इसी दौरान एक आदमी आया अज्ञात व्यक्ति, जो कि उसके साथ कुछ असली हरकत और छेड़खानी करने लगा। उसने शोर मचाया, फिर पब्लिक की सहायता से उसको पकड़ लिया गया। उस महिला की एप्लीकेशन पे इसमें थाना चौक पे FIR रजिस्टर कर ली गई है। महिला का मेडिकल परीक्षण भी करा दिया गया है। बाकी और जो प्रोसेस लीगल प्रोसेस होती है वो किया जा रहा है और इसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कौन है सर ये अभी कुछ कराया? ये हरदोई का रहने वाला है, प्रदीप नाम का व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या करने आया सर जी? वो खुद भी इलाज कराने के लिए आया था वहाँ। उस समय सर ड्रिंक कर रही होता क्या? अब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, बाकी चीज़ें विवेचना के विषय वस्तु हुए तो उसमें जो फैक्ट आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से अतीक अहमद की रिपोर्ट।